यूक्रेन की सेना का हमला सामने आया है। रूस के सैन्य वाहन को तबाह कर दिया है यूक्रेन की तरफ से। ये बड़ा नुकसान यहाँ पर रूस की सेना को पहुंचाया गया है। यूक्रेन की सेना की तरफ से सैन्य वाहन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है अपने हमले में। यूक्रेन की तरफ से बड़े बड़े दावे यूक्रेन लगातार करता हुआ नजर आ रहा है कि भले ही शक्तिशाली देश रूस हम पर हमले कर रहा है, लेकिन जवाबी कार्रवाई भी हमारी तरफ से जारी है। और ऐसे में बड़ा नुकसान इस हमले के जरिए यूक्रेन की तरफ से पहुंचाया गया है। सैन्य वाहन, ये तस्वीरें भी देखिए, यही वो ताकतवर वाहन बताया जा रहा है जिसके जरिए लगातार हमले रूस की सेना करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब इस पूरे वाहन को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है यूक्रेन ने अपने हमले के जरिए। और इसी महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें, यूक्रेनी हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। रूसी हमले में हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है। हेलीकॉप्टर में यूक्रेनी फौज के लिए हथियार ले जा रहा था और उसी पर हमला किया गया है। ये रूसी हमले में हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका है। इस वक्त ये बड़ी खबर, यूक्रेनी हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है रूस की तरफ से। इस हेलीकॉप्टर के जरिए हथियार पहुंचाए जा रहे थे यूक्रेनी सेना को, लेकिन रास्ते में ही टारगेट करते हुए रूस की सेना ने इस पर हमला किया, जिसके बाद ये पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुका है। देखिए किस तरीके से इस हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा हुआ है, पूरी तरीके से जल चुका है ये हेलीकॉप्टर। इसके सभी पार्ट्स इधर उधर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। इसी हेलीकॉप्टर के जरिए भारी संख्या में हथियारों को पहुंचाने की कोशिश यहां पर यूक्रेन की तरफ से की जा रही थी, क्योंकि हथियारों की कमी यूक्रेन की सेना के पास अब देखने को मिल रही है। कई देश खुलकर अब समर्थन कर रहे हैं, हथियारों की सप्लाई पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब इस हेलीकॉप्टर के जरिए बड़ा नुकसान यूक्रेन को पहुंचाया गया, यूक्रेन की सेना को। और बड़ी खबर आपको बता दें, लुहांस्क में तेल डिपो तबाह कर दिया गया है रूस के हमले में। तेल डिपो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। इससे पहले भी कई शहरों में तेल डिपो को तबाह किया गया है रूस की तरफ से, और ऐसे में अब ये बड़ा नुकसान लुहांस्क में, जहां तेल डिपो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है रूस के हमले में। रूस की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है तेल डिपो को निशाना बनाते हुए। ये देखिए काले धुएं का गुब्बार किस तरीके से आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है। यही तेल डिपो जहां से कई शहरों तक तेल की सप्लाई हुआ करती थी, लेकिन अब इस तेल डिपो को तबाह कर दिया गया है रूस की सेना ने। इससे पहले कई शहरों में बड़े बड़े तेल डिपो को नष्ट किया जा चुका है, और ऐसे में सीधे तौर पर अब अटैक रूस की सेना उन जगहों पर कर रही है जहां से सप्लाई को तोड़ा जा सके। और ऐसे में ये बड़ा नुकसान यूक्रेन की सेना को, यूक्रेन की जनता को पहुंचाया गया है। तेल डिपो को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। है क्योंकि स्थिति दोबारा से ना बिगड़े और पुलिस बैठ गई है यहाँ पर, दरअसल कि यहाँ अब ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। यहाँ हिंदू मुसलमान बहुत भाईचारा है, तो बाहर के जो बंदे आए उन्होंने ये जंगा हंगामा करा है।